क्या हुआ माँ, क्या लफड़ा है? हमारे सारे गहने छीन ले गया। ठीक है, जाओ साहब अंदर। नमस्ते साहब। क्या हुआ, सब झुंड में आए हो? हम पास के ही गांव से आए हैं सर। दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में नहर के पास महेश आया और सारे गहने छीन ले गया। क्या बोल रहे हो? अरे वो महेश। हाँ साहब। हाँ साहब। साहब दोनों बुढ़ियों के कान का झुमका छीन कर उन्होंने कहा खाली कान बारात नहीं जाना चाहिए, इसलिए दोनों कान पे ताला लगा दिया। क्या ताला, दिखाओ। हाँ साहब। हमारी माँ की हालत देखिए ना साहब। ठीक है माँ जी, घूंघट डालो। क्यों इतने लोग थे और उसे छोड़ दिए? साहब कोयता रख के धमकी दे रहा था साहब। अरे उसे देखते ही सांस रुक जाती है, जान अटक जाती है। आप पुलिस वाले हो के उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम जैसे कमजोर लोग उसे कैसे पकड़ पाएंगे? ठीक है ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, उसे बहुत जल्दी ही पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है साहब। हेड FIR में साइन लेके भेज दो इनको। ठीक है आप लोग जाओ, मैं देख लेता हूँ। जाओ चलो, चलो हेड ताले खोल के भेज दो इनको। ठीक है साहब। प्रणाम साहब। प्रणाम साहब। क्या बात है, तुम सब एक साथ आए? साहब मैं दुकान बढ़ा के घर जा रहा था साहब, रास्ते में मंदिर पे ही सारे पैसे महेश छीन ले गया साहब। क्या महेश ने किया ये सब? हाँ साहब। तुम इतने लोग थे उसे पकड़ नहीं पाए क्या? अरे साहब उससे तो पूरा गांव डरता है, हम चार क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं कर सकते हो तो इतनी बड़ी मूछ चेहरे पे क्यों रखी हुई है, झक मारने के लिए? मूछ के बारे में बात मत कीजिए, जातिवाद का झगड़ा बना देंगे। इन लोगों की कंप्लेंट लिख लो और इन्हें जाने दो। वही परेशानी है। ठीक है सर। कभी तो फंसने वाला है। अकेले हमें घाट घाट का पानी पिला रहा है साहब। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया साहब। क्या रात को मैं सो रहा था, महेश मेरी दो बकरियां उठा कर ले गया। अब आप ही बताइए साहब, एक एक नौ नौ दस दस बच्चे देती थी साहब, बताइए मैं क्या करूं? इसलिए तो पहले से ही तुम लोगों को आगाह किया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या बोला था? वो राम विलास का काला कुत्ता पहरेदारी में रखा हुआ है, अगर कोई आया तो पिछवाड़े का मटन नोच लेगा। ठीक है ठीक है, ढूंढ के देखते हैं। तेरा तो बकरा ही गायब हुआ है, बाकियों के तो गहने गायब हो रहे हैं। ए सुन, अभी तू जरा संभाल के रहना। हाँ साहब। जाओ। तब बड़ा घमंड में था, अब कुत्ते की तरह रो रहा है। ढूंढना ना पड़े इसलिए मुझे भगा दिया। इसका मतलब बकरियां इन्हीं लोगों ने चुराई होंगी। हाँ ये सबकी मिली भगत ही है। कौन है ये महेश जिसने पूरे जिले में तबाही मचा रखी है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, नेम प्लेट पे वीर लिखने से कोई वीर नहीं हो जाता, काम में भी वीर होना चाहिए समझे? ये केस तुम्हारे स्टेशन का है, तुरंत एक्शन लो। यस सर। क्या हुआ, इस तरफ से क्यों गाड़ी ले रहे? क्या हुआ साहब? पिछले हफ्ते इस तरफ से आए थे, तब इस खेत से चार बुट्टे तोड़कर घर ले गया था। मेरी माँ को बहुत पसंद आए थे, उन्होंने कहा था अगली बार उस तरफ जाओगे तो मेरे लिए और बुट्टे लेके आना। ले लूँ सर? जाओ। मैं अभी आता हूँ सर। कौन है ये महेश जिसने पूरे जिले में तबाही मचा रखी है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, नेम प्लेट पे वीर लिखने से कोई वीर नहीं हो जाता, साहब मैं तोड़ के लाया। साहब अब चले? चलो। त्रिलोकपुर स्टेशन में तूने सोना चोरी किया था ना, नारायणपुर स्टेशन में तूने डकैती डाली थी ना, और मुकुटपुर स्टेशन से तूने बकरियां चुराई थी ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं तेरे पे, इसलिए पुलिस वालों ने तेरे खिलाफ वारंट जारी किया है। तुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाला है। मुझे लगता है ये विक्रम की साजिश है। Oh, 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 oh
पागलों की तरह क्यों दौड़ कर आ रहा है? अरे बाप, क्या हुआ मुनीम? हे, किसने काटा रे? विक्रम को किसने काटा रे? महेश काट के चला गया सर। महेश ने काटा? क्या बोल रहा है? हाँ साहब, आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं तो कहता हूँ शिव गंगा हॉस्पिटल लेके जाइए। यहीं पे रहो। नमस्ते साहब, आइए। नमस्ते सर। आइए इंस्पेक्टर, ऐसा लग रहा है हमारा गम पूछने आए हो। नहीं साहब, माफ कर दो साहब, मुझे लगा गांव में घुसने वाला गांव से बाहर नहीं जा सकता। ए मुंह बंद कर तेरा, बहाना बनाना बंद कर, लगता है तुझे भी काट कर फेंकना पड़ेगा। नहीं साहब, उसे पकड़ने का जब भी प्लान बनाता हूँ कोई न कोई इन्फॉर्म कर देता है, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते हैं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो हमें भी काट के फेंक देगा, और हमें सावधान रहना चाहिए। इसी बात के लिए मोटी रकम लेता है तू हमसे? बोल। इस बार मैं जरूर पकड़ लूंगा साहब, किसी बात की चिंता मत कीजिए, डिपार्टमेंट से दो लोगों को पहरेदारी के लिए रखा है, समझ गए? ए, चलता हूं। ए, ये क्या है बोरी में? कोयता है साहब। दिखा। अंदर जाके रख। इस पूरे जिले में कोयता बनाने में राजबली लोहार जैसा कोई भी आप नहीं। आप सही कह रहे हो, बहुत शानदार बनाया है। मैं इसी कोयते से उस महेश को खत्म करूंगा। ये क्या किया? ये क्या कर दिया साहब? क्या साहब साहब बोले जा रहा है? अब तड़प रहे हैं ना ये? ओए, जाके डीएसपी को बता कि महेश ने मारा इनको। देखते हैं तेरा डीएसपी महेश का क्या करता है। बुराई में भी अच्छाई किए हो, उस महेश की फांसी तो अब पक्की है। एक आवश्यक सूचना। महेश को अपराधी घोषित किया जाता है। जहां भी दिखे सूचित करें। क्या करता है तू? अभी तेरी गर्दन उड़ गई होती। कोई बात नहीं यार, किसी के हाथ से तो मरना ही है, तेरे हाथ से ही सही। ए, क्या बोल रहा है तू? नहीं यार, हमारे जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये देख, तेरे ऊपर सरकार ने 1,00,000 रुपया इनाम रखा है। घोषित किया जा रहा है कि इसकी खबर देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। महेश की जानकारी देने वाले को 1,00,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगी। सन्नासी के सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस वालों को तूने काट दिया, ऐसा बोल रहे हैं? पुलिस वालों को तुझे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया है। सन्नासी और विक्रम के बिछाए हुए जाल में
हम लोग फंसते जा रहे हैं। सब लोग इनाम की लालच में हमें पकड़वा ही देंगे। ईश्वर सब की रक्षा करना। मालिक, परमात्मा के अनुकंपा से सब परिवार आप चिरंजीवी हो तथा। ठीक है, चलो हम निकलते हैं। जी ये लो मां। महेश कुछ पूछना चाह रहा है, देखिए तो। क्या हुआ, दूसरे गांव त्योहार देखने जा रहे हो? हाँ पापा। शाम को जल्दी आ जाना। हाँ ठीक, चलो हम चलते। आप जाइए। अच्छा जी, प्रणाम। और पांचवे खिलाड़ी भी हार चुके हैं। छठे खिलाड़ी अखाड़े में उतर रहे हैं। इस झुंड में कैसे भी करके मुझे एक लड़की पटानी है। चक्रों में लगे रहते हो। ये कैसी रहेगी? साड़ी खरीदने आया हूं। अरे तू साड़ी खरीदने आया है या छेड़ने? गधा कहीं का, इस गांव का तू लगता नहीं है। इसको देख यार, एकदम कद्दू जैसी है फिर भी चिल्ला रही है। सड़ेले काले बैगन। हाथ या हथौड़ा? अरे बापरे, चल यार नहीं तो स्वर्ग सिधर जाएंगे। क्या हुआ, खाना ज्यादा खा लिया? हाँ, क्या बहुत खा लिया। क्यों, कटहल खाया क्या? छठे खिलाड़ी भी चारों खाने चित, और अब सातवें खिलाड़ी अखाड़े में आए। क्या मुनीम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? सब ठीक। इस साल के लाठी के खेल में तू भाग लेकर विक्रम को हरा कर तुझे अपने गांव का नाम रोशन करना पड़ेगा, समझे भाई? इस साल विक्रम को तू ही हराएगा। अपने गाँव के अलगर, अमासी, यांडी, लकड़हारा, काटवा, मलखान, झिंगुरी, कालू, तीर्थ, भीमसेन, छोटे मुरारी, बड़े मुरारी, मुरली, ये सब क्या दिखाने के लिए है क्या? सबका नाम मैं रोशन करूं? तू ही बता। ऐसा मत बोल भाई। हाँ भाई। उन सब ने हमारे क्षेत्र में अपने गांव के लिए नाम कमाया है भाई। वीरों के घर में पैदा होने वाला तू, तू ही हमारा शूरवीर है। तुझे ही हमारे गाँव का नाम रोशन करना पड़ेगा, समझा? ऐसा है क्या? हाँ मेरे भाई। हाँ भाई। आज के मुकाबले में भाग लेकर विक्रम को मार के तुझे उसका बैंड बजाना है और उसे धूल चटानी है। बिल्कुल भाई, समझ गए ना? मुकाबला काफी दिलचस्प चल रहा है और ये आठवां खिलाड़ी भी धराशायी। साहब, इस साल भी छोटे साहब ही सबको हराएंगे। शेर का बेटा शेर ही होता है, वो तो हर हाल में जीतेगा ही। है कोई और लठे तो अखाड़े में आए। रुक, हाथ में माइक है तो तू बहुत ज्यादा बोले जा रहा है। अखाड़े में आए, अखाड़े में अब कोई नहीं आएगा। हर खेल का एक नियम होता है, तुम्हारी मर्जी से खेल को नहीं रोकेंगे। अब कोई नहीं आने वाला, और अगर अब भी कोई बचा है तो अखाड़े में आ जाए। ऐसा क्या सोच रहा है भाई? ले पकड़, शुरू हो जा। वो देखो, आखिरी खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, और अब आखिरी खिलाड़ी के रूप में जो मैदान में है उनका नाम है महेश। आइए देखते हैं। अब देखते हैं कौन किसे मारता है। अब मजा आएगा। हाँ भाई, अब आएगा मजा। धूल चटा दे उसको। ये पैंतरा सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वाह!
कमाल कर दिया यार। अब आ जाओ मैदान में। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे हाँ लगा ले। हाँ हाँ जोर लगा जोर लगा। अपना दोस्त है। हाँ अब अपना शेर गरम हुआ है। अब तो देखो शूरवीर है अपना भाई। उत्सव समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया आप मंच पर आएं और अपनी ट्रॉफी स्वीकार करें। जीत का झंडा आज लहराया है। शक्ति जो तूने दी है हमारा महेश जीत गया है। अब तो सभी दिशाओं में ताकत बढ़ गई है। जीत का सहरा बांधे अब हमको सम्राट मिल गया है। है जीत का अंश है दोस्तों का कवच है दुश्मनों का नाश है। वीर का वंश है जीत का अंश है दोस्तों का कवच है दुश्मनों का नाश है। सब खुशियाँ मनाओ ताली बजाओ सखी ताली बजाओ। जीत की खुशी में मंगल लगाओ सब ताली बजाओ सखी ताली बजाओ। आजाद शेर है तू सबका राजा वीर है तू। आजाद शेर है तू सबका राजा वीर है तू। खुशियाँ है आई बड़ी राजा तूने लाई ऐसी घड़ी। खुशियाँ है आई बड़ी राजा तूने लाई ऐसी घड़ी। तेरे स्वागत से हुए हैं हम तो निहाल रे। तेरे कदमों की मिट्टी है सोना बन। तेरे कदमों की मिट्टी है सोना बन। जीत का झंडा देखो हाँ हाँ जी हाँ लहराया है। हे जीत का झंडा देखो हाँ हाँ जी हाँ लहराया है। हे वीरों का वीर है तू शूरवीर है तू शूरवीर है वीरों का वीर है।
सातों गांवों के लोग तेरा गुणगान करे, नाचे ये मोर जैसे तुझ पे अभिमान करे। जीत की खुशी में अब प्रीति भोज रखा है, प्रेम का पकवान यहाँ देखो अब यूं सजा है। तेरे हाथों से पकवान खा के इन गरीबों का पेट भर गया है, तेरे हाथों से पकवान खा के सभी लोगों की भूख मिट गई है। तेरे स्वागत से हुए हैं हम तो निहाल रे, तेरे कदमों की मिट्टी है सोना बने, तेरे कदमों की मिट्टी है सोना बने। जीत का झंडा देखो हाँ हाँ आज यहाँ लहराया है, हे जीत का झंडा देखो हाँ हाँ आज यहाँ लहराया है। हे वीरों का वीर है तू शूरवीर है, तू शूरवीर है वीरों का वीर है। आ रहे हैं देखो हमारे छोटे राजा, छोटे राजा प्यारे राजा महान राजा महेश राजा, छोटे राजा प्यारे राजा महान राजा महेश राजा। विक्रम आओ बेटा, आरती उतारनी है। ये सब रहने दो दादी, मैं क्या जीत करके आया हूँ? 8-9 आदमी से जीत कर एक आदमी से हारना कोई हार नहीं होती है, तू ही असली वीर है। ए, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, जल्दी से आरती उतार। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस नलायक की आरती उतार रहे हो तुम लोग? जीतने वाले की आरती उतारी जाती है, इसकी आरती उतार कर रीति रिवाज का अपमान मत करो, शर्म आनी चाहिए शर्म। मैं तो इसे वीर समझता था। साहबी जीतने वाले थे लेकिन बीच में लाठी टूट गई, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तुम भी बहाने बना रहे हो। वीरता शरीर में होनी चाहिए, खून में होनी चाहिए। वो वीर वीर नहीं होता है जो हार के लिए बहाने बनाए। बहाने बनाने वाला मर्द नहीं होता है, हार को जीत में बदलने वाला ही असली मर्द होता है। मर्द बनकर जीत कर आओ तब मैं खुशी से गले लगाऊंगा। तुम लोग भी सुन लो, ऐसे कायर की आरती उतारने से कुछ नहीं होगा। आप इसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वही ना, इस साल हार गए तो क्या हुआ, अगले साल जीत जाएंगे। ए, तुम सब लोग अंदर जाओ। ठीक है। मेरे दर्द का एहसास तुम लोगों को नहीं होगा, जिसको दर्द होता है उसी को पता चलता है। तेरे दर्द के लिए मेरा पोता क्या करेगा? आप नहीं समझोगी। क्या लड़के हो तुम, ऐसे कैसे हार गए? इधर आओ, ऐसा कैसे हो गया? मेले में लाठी के खेल में हारने पर तुम्हें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए ना। हाँ पापा। मेरे पास एक अच्छा मौका है। क्या है बताइए, हम कर देंगे। 5 दिन के लिए कलेक्टर से सिंचाई के लिए पानी मांगा है हमने। ठीक है जी। लेकिन वो 3 दिन के लिए ही डैम खोलने की बात कर रहा है, और 3 दिन के बाद उन लोगों को पानी देने की बात कर रहा है वो। ध्यान से सुनो सब लोग, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी नहर में एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, समझे तुम लोग? जब भूखमरी होगी तब उनको उनकी औकात पता चलेगी, हमसे दुश्मनी का मतलब तब समझ में आएगा, समझे तुम? मैं देख लूंगा पापा। ना 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 ना। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते साहब, आप लोग नरानापुर से हो? हाँ सर। बड़े साहब से मिलने आए थे हम। बड़े भाई कुछ काम से बाहर गए हैं। जी, दो जी। परिवारों के बीच में कुछ बंटवारे की बात है, उसी को सॉल्व करने गए हैं। आप लोग जो भी बात करने आए हैं वो मुझसे भी कर सकते हैं। नहर का मामला है वो सब कुछ नहीं है, चोरी का मामला है या फिर जवान लड़की की कोई बात है? अरे नहीं जी, मैं उनका भाई ही तो हूँ। बड़े साहब से प्लान सुनने के लिए ही आए थे हम लोग। क्यों, मैं प्लान नहीं बता सकता? नहीं साहब, किसी और दिन आते हैं हम लोग। नमस्ते। ए, चल चल चल, बड़े साहब ही लफड़ा सुलझा सकते हैं, छोटे साहब तो लफड़े को और बढ़ा देंगे। चल जल्दी यहाँ से। एक दिन मैं ही इस कुर्सी पे बैठूंगा, तब तुम पंचायत के लिए मेरे पास ही आओगे। जाओगे कहाँ, तब मैं तुम लोगों को देखता हूँ। ए सेदु, तू यहीं खड़े होकर देख, कोई आ तो नहीं रहा? कोई आएगा तो बताना, इशारा करना। अभी लोग आओ रे। ए, हाँ भाई, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। हाँ। चलो जल्दी खोदो। ए, किसी चीज की आवाज आ रही है। क्या खोदने की आवाज आ रही है?
लगता कोई नहर खोद रहा है। चलो देखते हैं। चलो अभी क्या सोच रहे हो? अरे 10 लोग निकलो और उन लोगों को मार के आओ। अरे हमारे गांव वालों के ऊपर हाथ उठाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ए, तुम लोग रुको, वो कोई फालतू आदमी होंगे, उन लोगों ने बेवजह ही ऐसा किया होगा। हम भी वैसा ही कर देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, बेवजह में लफड़ा बढ़ेगा। होने दो लफड़ा, दोनों में से एक को हम देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। नहीं नहीं रुको, लड़ाई बड़ी नहीं होती, ज्ञान बड़ा होता है। जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उससे लफड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह हम अपने मुनीम को भेज के पंचायत में लफड़ा सुलझाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। अरे क्या सही कह रहे हैं साहब, जिनको चोट लगी है उनका पंचायत में इलाज कराएंगे या फिर उनको मुआवजा दिलवाएंगे। उन्होंने नहर काटने का जो काम किया है वो गलत किया है, ऊपर से मारामारी भी की है। इस बात से पंचायत बुलाने पे हमारे गांव की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। मार के बदले मार ही ठीक है। तो चुप कर, वो बेकार की बात कर रहा है। ए, गुस्से में और जल्दी में लिया गया फैसला हमेशा बेकार होता है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। एक दो दिन निकलने दो, कल सुबह सब मिलकर के अच्छा फैसला लेते हैं। चलो आप सब लोग जाओ। ए, बिना मतलब के चाचा बुलाते नहीं है? अरे चाचा, सुनो, हमारे गांव वालों को मारने वाले को माफ नहीं करेंगे। हाँ। एक प्लान है। बोलिए चाचा। हाँ, हाँ, हाँ। इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। हाँ, ठीक है चाचा, चलो चलते। अरे इन गांव वालों का कुछ पता नहीं, किसी भी बात के लिए कोयता उठा के चले आते हैं। गाड़ी एक इंच भी आगे बढ़ी ना तो तेरा गला काट दूंगा, समझा? चुप बैठ। बताओ देवी माँ, देखो ये क्या है, मेरे सर पे इनाम रखा है। इनाम रखा है, मैंने क्या मांगा था? अच्छे से जीना ही तो चाहता, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हाँ। Hey, किसने लड़कियों पे हाथ रखा था? ये तुम क्या बोल रहे हो भाई, हम सब मूछ वालों के सामने ये मूछे घुमाती है भाई। इन कॉलेज वाली लड़कियों से हमने कभी लफड़ा किया है क्या? और तू हमें ही बोल रहा है। hey, मूछ तो है नहीं पर देख कैसे बोल रहा है। देखो यार, लड़कियों का रोना धोना इस मोटू को बर्दाश्त नहीं होता, अब तो कुछ करो भाई। हाँ, कौन हो तुम लोग, किस गाँव से हो बताओ मुझे, कहाँ है घर तुम्हारा, बोलो। अरे रो मत, बोलो, बताओ मुझे, डरो मत। जल्दी से जाऊंगी तो एग्जाम में बैठने मिलेगा। क्या रे, एग्जाम के टाइम पे तुम लोग बस रोक के लफड़ा करोगे? क्या भाई, हमने इतनी पढ़ाई की है क्या जो ये सब बात समझेंगे? अरे भाई, गलती से हो गया। अरे बोलना। हाँ सही बोलो। अबे पागल लोग, छी। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है भाई। आइडिया है तेरे पास? हाँ। ठीक है बोल। इसी बस को तुरंत भेज देते हैं भाई। हाँ, ये हुई ना बात, अच्छा आइडिया है। कहाँ गए थे वो दोनों, ड्राइवर कंडक्टर? आपने बोला, हमने बस रोक दिया था, नीचे तो सेफ्टी के लिए बैठे थे।
देखा यार तूने? हाँ। ये सब लड़की के लिए हो रहा है, इसलिए बस छोड़ रहे हैं। जाओ जाओ, कहीं नहीं रुकना चाहिए है? स्कूल के गेट के सामने ही ठीक रुकना, ठीक है? चलो 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 निकलो, अब तो खुश हो ना? महेश को भी साथ में लाना चाहिए था। तुम गाड़ी चलाओ, मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। नमस्ते। प्रणाम साहब। सबको प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। संप्रदाय को हाथ जोड़कर प्रणाम करने की तमीज तो है तुम में, लेकिन तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़ा आदमी बनना है तो अच्छे काम करना चाहिए। अरे ओ नालायक, चुपचाप बैठ। अगर तुमने जरा भी लफड़ा किया ना तो समझ ले किसी के हाथ पांव नहीं बचेंगे। तमीज से बात कर, नहीं तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। न्याय की बात की तो गुस्सा आ रहा है। नहीं, न्याय तो सिर्फ तुम ही जानते हो, इसलिए चोरी से रातों रात नहर खोद रहे थे क्या? अरे तुम लोगों की हेरा फेरी सबको मालूम है, समझे? न्याय की बात करने आए हैं। आसपास के गांव में पूछ कर देखो कितना नाम खराब है तुम लोगों का। खून का इल्जाम डालने वाले, गांव में चोरी करने वाले कैसे बात कर रहे हैं? नहर पे झगड़ा हुआ तो वहीं मारना चाहिए था। बस से उतार कर मारना औरतों जैसी हरकत नहीं है क्या? ए, किसको औरत बोल रहा है? अभी तुझे बताता हूँ। शांत रहिए, पंचायत में आकर के झगड़ा कर रहे हैं। शांत रहिए, रुकिए। साहब आप बड़े हैं, आप ही बातचीत करें, कुछ फैसला कीजिए ना। पंचायत को इन्होंने इकट्ठा किया है, पहले इन्हें बोलने के लिए कहिए। ठाकुर साहब आप ही बोलिए। रात को इन्होंने नहर खोदी, मुझे नहीं पता था। पंचायत तो अच्छे से चल रही है। अगर पता होता तो उनको ऐसा कुछ करने देता क्या? मैं जवान लड़के हैं, जाके जल्दी जल्दी में खोद आए। वहाँ झगड़ा हुआ, दो लोगों को चोट लगी, जाहिर सी बात है। उस बात के लिए पंचायत बैठाकर सुलझाना चाहिए था कि नहीं? पंचायत बुलाने की बजाय गांव में आने वाली बस रोककर बच्चे बूढ़े के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हथियार का इस्तेमाल क्या तुम्हीं लोगों को आता है? हम लोगों को नहीं आता कि हथियार कैसे चलाया जाता है? अगर तुम लोग मारपीट करोगे तो हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। कोयता से जो काटेगा वो कटेगा। अगर यही सब करना है तुम लोगों को तो समय और जगह हमें बताओ, हम लोग आते हैं। पीछे नहर को खोदा गया, जैसे इन्हें नहीं पता वैसे ही बस को रोक कर मारा मारी हुई, से मुझे नहीं पता। दोनों तरफ से गलती हुई है, दोनों तरफ के लोगों को चोट लगी है। दिल में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, भाई भाई के जैसे रहो, यही दोनों गांव के लिए अच्छा है। हमें कुछ होगा तो हम तुम्हारे गांव आएंगे, तुम्हें कुछ होगा तो तुम हमारे गांव की तरफ आओगे। इसमें तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं ये बेकार की बात है। भाई भाई बन करके रहो, कोई लफड़ा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जो भी गलती हुई है पुजारी जी के सामने मैं कहता हूं। हम लोगों की तरफ से जो भी गलती हुई है मैं सबसे माफी मांगता हूं। बस क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या है ये? क्या समझौता कर लिए एक दूसरे से? इल्जाम मत डालिए, आइए आप दोनों जेल ग्रहण कीजिए। हम वैसा ही करेंगे। यही देखना रह गया था। साहब आप हमारे भगवान हैं। आपने बचा लिया हमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद अब वो कभी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम आपको हमेशा।
भाई जल्दी आना। ए भाई भाई भाई, क्या हुआ भाई? आज एकदम अलग लग रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हैं। क्यों बता, आज कुछ खास बात है क्या? अरे बता ना। अरे कुछ नहीं भाई, वो अपनी चाची है ना, बस में कहीं जा रही है, उनका सामान बहुत ज्यादा है तो चढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन तुझे देखकर ऐसा नहीं लगता तू सामान चढ़ाने जा रहा है, सच बता बात क्या है? आजा तू भी चल। ये बात है क्या? कल तक तो तुम्हारे सारे काम हम करते थे, लेकिन आज तुम खुद काम पे क्यों मोटू? बात तो कुछ और ही है। नारायणपुर वाले आ गया, ये चार मेमने किसके हैं? मेरा ही है बेटा। उठा के साइड में रखो भाई। ठीक है, ठीक है। क्या चाची? बोल बेटा। नहीं सामान है ना? हाँ बेटा। बस चढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई? हाँ। अरे ओ भाई, सुन लिया बोल। हाँ लो इसको, अरे पकड़ इसको। हाँ लेना। अरे जल्दी किया कर यार। ये लो। अरे दो ना, ले पकड़ जल्दी इसको। हाँ ओके। हाँ अब इसको पकड़ पकड़ ना। लो लो इसको भी पकड़ो, लो। हाँ ये लो। अरे बच्चा, सामान देने के लिए बोला तो बच्चों को दे दिया। पागल हो गया? बच्चों क्यों चलाया ऊपर? बच्चे को भाड़े पे लाया क्या? चाची के सब कुछ हम ही है। आजा आजा आजा। कमाल है, लगता आज इसका ध्यान कहीं और है। आ? पकड़ इसको। हाँ अब तुम लोग नीचे आओ, जल्दी आओ। अरे चलो चलो, हो गया, चलो चलो आगे, चलो 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 जल्दी आओ। अरे भाई वाले तो बस में ही है, चलो बस आगे बढ़ाओ। देख भाई का ध्यान भटकाने वाली इधर ही आ रही है। अरे चलो देखते हैं। हे देवी माँ, मेरे दिल की सारी इच्छाएं पूरी करना। लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, जरा देखते हैं। चलो है? ए, क्या हुआ? काम नहीं कर रहे हो तुम लोग, परेशान कर रहे हो। डेंटल है। अरे ये तो मंदिर की माला है, भगवान का श्राप लाएगा। छोड़ना यार, वो अपनी ही माता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझा? तुझे पता ही ये माला किसने पहनाई है? नहीं दे। तुझे नहीं पता ये किसने पहनाई? अरे वो जो बस में आती है ना। अरे देखो यार ये कैसे शर्मा रहा है। ए पढ़ना जल्दी से। रुक जा पढ़ रहा हूँ मैं। इसमें ऐसा लिखा है, मेरी माँ मेरी शादी करवाने वाली है, उसे जरा रोक दो। ए भाई इसमें से एक चिट्ठी निकाल। हाँ दे दे, दे। निकाल। देवी माँ गुंडों की रोकी हुई बस को मेरी परीक्षा के लिए भेजने वाले महेश को खुश रखना, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं और एक चिट्ठी निकालता हूँ। अरे तू ही पढ़ना यार। पहले अपने बैंगन जैसे दोस्त को और बाकी चमचों को अपने आसपास भटकने मत देना और सबसे दूर रहना, नहीं तो तुम भी इनकी तरह ही गंवार और जंगली हो जाओगे। सोच कर फैसला करता हूँ। हाँ। देख भाई, मुझे लगता है ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बात मान, तू इस लड़की के चक्कर में मत पड़। मैं क्या तेरे जैसे गांव में घूमने वाले शादी किया क्या? इसको देख, इसके जैसे सिल्वर लगाने वाले से प्यार किया है क्या? पढ़ने वाली लड़की से मोहब्बत की है, इसमें क्या गलती है? ए चुप कर, क्या बच्चे से सर हो रहा है? भाई ऐसा बोल के तूने मेरा दिल तोड़ दिया भाई। भाई तुम लोग मेरे प्यार के पीछे पड़ गए थे, इसलिए भड़ास में बोल दिया। मेरे प्यार को मिलवाओगे कि नहीं? भाई तेरे लिए जान भी दे दूंगा। यही चाहता था मैं। आओ नानी, घर पसंद आया क्या? बहुत अच्छा घर है। माँ नानी आई है। आओ माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटी। क्यों रे, मेरे बेटे के घर पे आती नहीं है, यहीं रहती है, क्या हो गया है तुझे? नानी आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संभल के जा। हाँ ठीक है नानी, जल्दी आना। हाँ ठीक है माँ। कैसी हो गई है तू? पोता पोती होते हैं, 80 साल की बुड्ढी होती है, वो भी जवान दिखती है, कुछ खाती क्यों नहीं तू? अरे असली घी खाया कर।
वो तो मैं सब कुछ खाती हूँ। भिखारी के साथ शादी करके कहती है सब कुछ खाती है क्या? हाँ। ये लो जरा काट के दे दो। तेरे दामाद को मरे 4 साल हो गए, 1 साल पूरे होने दो फिर शादी की बात करता हूँ, ऐसे तेरे बेटे ने कहा था। लेकिन इस बात को बोले हुए 3 साल हो गए। लेकिन जब भी मैं रुकू की शादी के बारे में पूछती हूँ तो वो बहाने बना के टाल देता है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे घुट घुट के जीने से मेरी बीमारी ठीक कैसे होगी? मन में बेटी की चिंता है, चाहे जितना भी खाओ पियो वो थोड़ी ना मुझे लगेगा। क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? तेरी बेटी की शादी हो जाएगी ये पक्की बात है। तू भाई से बात तो कर, वो इस साल शादी जरूर करा देगा। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? बेटी पढ़ रही है इसलिए वो थोड़ा रुका है, इस बारे में तू चिंता मत कर। अभी तुम कुछ भी बोलो पर अपने बेटे को ही सपोर्ट करोगी। तू भी तो मेरी बेटी है, बाहर से नातिन को आने दे, उसे सारी कहानी बताती हूँ। उसे बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई लोग, हाँ ये मोटू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। फूल तोड़ने को बोलेगा तो घास काटेगा, घास काटने को बोलेगा तो फूल तोड़ेगा, यही कहीं कुछ तोड़ता होगा। तोड़ने दो तोड़ने दो। हे कहाँ चला गया वो? अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, हे क्या हुआ, हे अरे आंखें खोलो, अरे अरे मैंने तो मजाक किया था। ये मोती को कुछ भी बोलो सुधरता ही नहीं है, बात ही नहीं मानता है मेरी। सही बोल रहा है। चुप चुप, मेरी बात सुन, चुप क्या कर रही है, थोड़ी देर के लिए चुप रहे ना। अरे चुप रहे चुप रहे, गांव वाले सुन लेंगे। अरे गांव वाले सुनेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, चुप रहे ना। अरे क्या बोलो तुझे समझ में नहीं आ रहा, चुप चुप चल जा यहां से। इस साल अभी तक तालाब की सफाई नहीं हुई, कैसे होगा काम? पता नहीं यार कैसे होगा। चलो देखते हैं कालू यादव मिलता है कि नहीं। चलो देखते हैं। क्या हुआ? खुद को मैं मानू ना, जो हाँ
सोच रहा ना तुम्हें पाके मेरी सांस की खुशबू में बसे हो तुम महका है सारा जहां अब ना जुदा हो आप यहीं रुकिए मैं मिलके आता हूँ। ठीक है सर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हमारे गांव में कोई कालरा वगैरह फैला है क्या? ऐसी कोई बात नहीं साहब। आप तो जानते ही हैं महापालिका के अधिकारी गांवों में नसबंदी के केस के लिए जाते हैं। साहब आप अपने यहाँ से भी दो लोगों को नसबंदी के लिए भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है रुको। कल्पेश। हाँ भाई। दो लोगों को नसबंदी के लिए भेज दो। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ। दो क्या, तीन जन को भेजता हूँ। इसके लिए भाई के पास क्यों आए हो? कब भेजना है? बुधवार को साहब। ठीक है मैं भेज दूंगा। अच्छा, नमस्ते, अच्छा, नमस्ते साहब। ठीक है बहुत अच्छा। बात सिर्फ इतनी सी है, वो हॉस्पिटल में 300 रुपए देंगे, हम 1000 रुपया देंगे तो सबके सब आएंगे। कल्पेश पैसे की बात नहीं है, जिनकी मर्जी हो उनको भेजो। ठीक है भाई मैं देख लेता हूँ। ठीक है बहुत अच्छा जाओ। आने वाले अगले महीने में साहब से बोलकर लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे अकेले कब तक घूमेंगे? सोमे भाई ये 8 रुपये रखिए और मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। और 2 रुपया कौन देगा? देता हूँ ना, 2 रुपये लेके भाग जाऊंगा क्या? ऐसे ही बोल बोल के पहले का अभी भी बाकी है। ए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और तुझे 2 रुपये के पड़ी है। चंदन कौन है यहाँ? मैं ही हूँ सर। आपको कल्पेश जी बुला रहे हैं। पैसे दोगे ना? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, खर्चे के लिए मुर्गा मिल गया। आज का काम तो हो गया। तो चलें? हाँ चलते हैं। आइए। अभी भी पहले का बाकी नहीं चुका रहा है। इस गाड़ी में बैठिए। ठीक है भाई मैं बैठ रहा हूँ। चलिए। हाय रुकु, तुझे कहाँ नहीं ढूंढा? क्या बात है? रिजल्ट आ गया है। मैं पास हो कि फेल हूँ? लगता है तू फेल हो गई। 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों से दोस्ती करना जैसे जहर की शीशी जेब में लेके घूमना है। अगर तुझे जहर पीने का शौक है तो पी। अरे अपने गांव में भी कितनी 10वीं फेल लड़कियां हैं, तू उनमें से ही किसी को चुन ले, वो पूरी जिंदगी तुम्हें माथे पे सजा के रखेगी। चाची मैं फेल हो गई, चाची मैं फेल हो गई। दादी मैं इतनी खुश हूँ क्यों पता है? क्योंकि मैं फेल हो गई। हाँ बिटिया। मैं फेल हो गई। अरे क्या पागलपन है, लोग पास होने पर खुश होते हैं और जरा इसे तो देखो, फेल होने पर आसमान सर पे उठा रखा है। वही तो, पागल कहीं की।
सब पता है जी कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। इतनी जल्दी हद मत पार करो, समझ गए ना? तुम मुझे प्यार करते हो पर मेरे जीजा जी को जानते हो? अच्छा वो तुम्हारा जीजा, उसको तो मेले में लाठी युद्ध में पटक पटक का मारा था। बात करती हो। ए, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है भाई? लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अरे तू वहाँ मत जा, वहाँ नाग नागिन का मिलन हो रहा है, तुझे पता है? अगर तू वहाँ जाएगा तो वो लोग तुझे काट लेंगे, चल भाग यहाँ से। मैं खुद ही डरा हुआ हूँ और ये आ गया। अच्छा बता, अपने जीजा को पसंद करती है? बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे बचपन से ही जरा सा भी पसंद नहीं है। अच्छा हुआ तू वहाँ गई होती ना तो तेरा हाथ पकड़ लेता वो। क्या? मैं तो उसके घर जाती ही नहीं हूँ। मेरा कोई हाथ तो पकड़े, हम तो सीटी बजा के शेर को भगा देते। हाँ वही देखा था बस में। क्यों, तुम तो चिंटू की चाची हो ना? क्या हुआ छोटे? अरे कहाँ जा रही हो? लकड़ी काटने जा रही हूँ। लकड़ी काटने, इतनी कड़ी धूप में? तुम्हें पता है हाँ? अरे वो मनोरमा दीदी की बेटी मर गई थी ना कुआं में गिर के, बाहर आ गई है वो। हाँ? वो सबकी चोटियां पकड़ के घुमा रही है, कांप रहे हैं लोग। और आगे सुनो, कल बड़ी भाभी की चोटी पकड़ के ऐसी घुमाई कि वो आज तक घूम रही है। आगे आपकी मर्जी। बाप रे, ये काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। हे भगवान। हमारे पास ही। ये लो। हे, ये क्या मिठाई लेके घूम रही है? एग्जाम में पास हो गई क्या? नहीं, फेल। अरे फेल होने पे मिठाई दे रही हो? मुझे सब पता है, तुम्हें तो फेल ही पसंद है ना। अच्छा, खुद फेल हो गई, इल्जाम हम पे डाल रही हो। पास होकर पढ़ाई करने से अच्छा है फेल होकर तुमसे शादी करके जिंदगी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। ऐसा क्या? वो पढ़ाई तो मुझे बहुत अच्छे से आती है। नैनशीले होठ रसीले तू है रबड़ी मलाई, तेरे अंदरों के चुमन से ये बात समझ में आई। मन के मंदिर में तेरे मुहूर्त मेरी पाई, दिल दे दिया तुझको होश है मैंने गवाई। तूने जो साज छेड़ा साथी ये प्यार का, झूमे जहाँ प्यार की ऋतु आई। नच मन हो के मगन हो साथी मेरे, झूमे जहाँ है बाहर जाई। नशीले होठ रसीले तू है रबड़ी मलाई, तेरे अंदरों के चुम्बन से ये बात समझ में आई। तुझे पाने के लिए हुआ मैं दीवाना। मैं तो हूँ तेरी, फिर क्यों है तेरी, आके मुझे बाहों में ले ले, मैंने तुझे अपना माना। पालिया पालिया मैंने तुझे पालिया, चैन मिला दिल को मेरे तुझे पाकर। चैन मैंने सब खो दिया मैंने तुझे पाके, मैं हूँ तेरी तू है मेरे प्यार का सागर। नशीले होठ रसीले तू है रबड़ी मलाई, तेरे अंदरों के चुम्बन से ये बात समझ में आई। मन के मंदिर में तेरे मुहूर्त मेरी पाई, दिल दे दिया तुझको होश है मैंने गवाई। तूने जो साज छेड़ा साथी ये प्यार का, झूमे जहाँ प्यार की ऋतु आई। नच मन हो के मगन हो साथी मेरे, झूमे जहाँ है बाहर छाई। ये लीजिए जी, इसमें एक लीटर तेल डाल दीजिए। अच्छा, एक लीटर तेल डाल रहे, वो पैकेट वाला देना उधर रखा। एक किलो देसी गुड़ भी डाल। एक किलो देसी गुड़ डाल, तौल के देना। क्या मुना भाई, ठीक हो ना? अंकल बस भाई नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए, सब ठीक है। तुम जो
सामान खरीद रही हो उससे लगता है घर में कुछ स्पेशल है। हम इनवाइट नहीं करोगी क्या? हा? आप इनवाइट करने से आने वाले थोड़ी ना हो, जब मन करेगा चले आओगे। साहब ये आजादपुर बाजार में पिछले हफ्ते भेजा हुआ 1500 नारियल का हिसाब है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते साहब। हाँ सब ठीक है ना? जी बिल्कुल। अरे ओ बेटा। साहब ये देखिए, ये तरैना पार में 4 एकड़ 20 में दिए थे ना, ये उसी का है। अरे वो चंदन कहाँ है? और ये नहर के पास वाली जमीन लीज पे दिए थे, उसका हिसाब है ये। माया जी साहब, ये बुढ़िया क्यों चिल्लाई जा रही है, जाके देख उसे। जी। अरे वो लड़का कहाँ है? ये लखना पार की जो जमीन है ना। हाँ साहब। उसे देखो जरा, ये वही जमीन है ना। हाँ, इसका क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बताया नहीं तुमने? साहब वो चंदन तो 2 दिन से घर से गायब है। पानी पिला दे। कहाँ गया चंदन? साहब मैंने सुना है कल्पेश के बोलने पर कुछ लोग उसे जीप में बैठा कर ले गए। किस लिए चंदन को जीप में बैठा के ले गए? पता नहीं साहब। नमस्ते, आते हैं। नमस्ते। अरे वो चंदन कहाँ है? अरे वो मुन्ना की दुकान पर होंगे, जा उठा के ला उनको। ठीक है साहब। ए कल्पेश, तुझे बड़े साहब ने बुलाया है। कौन साहब? चल देख, पता चलेगा। नहीं आया तो? इसीलिए तो हम लेने आए हैं। क्यों आओगे ना? हाँ चलो। और 5-6 हजार नारियल तोड़ा गया है, उसकी ढुलाई का सब हिसाब दे चुके हैं, बाद में मूंगफली दीजिए। ए कल्पेश, इस साल तेरा कोटा बंद नहीं किया ना तो अपना नाम बदल के रख दूंगा। मुझसे उलझने की हिम्मत की? क्या तेरे खाने में हमने मिट्टी डाल दी जो इतना तड़प रहा है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? सीधे सीधे बात को बताना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू? नारायणपुर वालों को दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है, सही है ना? चंदन कहाँ है? वो क्या दूध पीता बच्चा है जो हम उसे कहीं भी छुपा देंगे है? अपने लोगों का ख्याल खुद रखना सीखो, बेकार में हमसे मत उलझा करो, समझे? लेकिन तुम तो है एक गुड़ का बेटा, गुड़ बहुत चलाकी से बात कर रहा है तू। देख बे, तूने उसको कहाँ भेजा है मुझे सच सच बता। हाँ साहब, मैंने ही हॉस्पिटल भेजा है उसे। हर गांव से 2 जन चाहिए थे नसबंदी के लिए, वो गया खुशी से। तुम्हारे यहाँ 30 साल से काम कर रहा था, 2-2 रुपए के लिए तरसता था बेचारा। चप चप चप, मिर्ची लगी, वहाँ पर कम से कम कपड़े खाना नाश्ता मिल जाएगा सोचकर मैंने ही भेजा था। 6-6 बच्चे पैदा करने वाला अभी तक बच्चे पैदा कर रहा है, उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। कुंवारे लड़के की जिंदगी से खेल रहे हो तुम लोग। ए भागो, इसको बुलाओ सबको पंचायत के लिए, आज इसे बताऊंगा मैं। छोटे भाई के लिए बड़े भाई को आना ही पड़ेगा। इस घड़ी का तो मैं 30 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गांव के नियम से आपने पंचायत बुलाया, पहले आप पूछिए। वो सब बाद में देखेंगे, पहले मेरे छोटे भाई को खोलो। मुझसे पूछे बिना मेरे भाई को बांधा है, इसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो, बाद में पंचायत की बात देखेंगे। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। माफी? ए राम अवतार, ये सन्नासी दंड देने के लिए पैदा हुआ है, माफी मांगने के लिए नहीं। इज्जत से माफी मांगो, माफी मांगो। एक मारा तो काफी है, तेरे 10 लोगों के साथ भी तेरा सर भी जमीन में ना गाड़ दूं तो मेरा नाम बदल देना। तूने चुटकी मारी हो काफी है, मैं तौलिया उठाकर फेंकूंगा वो काफी है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे गांव में एक आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। चाचा जी तौलिया फेंको, चाचा जी अब सोच क्या रहे हो, तौलिया फेंको। ए तू 100 जन्म भी लेगा ना तो भी मेरा सर अलग नहीं कर पाएगा। 30 साल पहले मैंने तेरी जान बख्शी थी ना, पैर तोड़ के छोड़ दिया था, गलती कर दी थी मैंने। ए आज या तो तेरी लाश गिरेगी या मेरी लाश गिरेगी, देखते हैं। इसी के लिए तो मैं इतने साल इंतजार कर रहा था। तू मारेगा? देखा ना, 7 गांव के लोग हैं, माफी मांग अब। ए विक्रम रोक इन्हें। ए इज्जत से मेरे चाचा जी से माफी मांग, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुझे। चलो। ए माया उसको खोल दे। पूरी रात दौड़ा डाला गधा कहीं का। कल्पेश को बांधना गलत था, उसके लिए मैं 7ों गांव वालों से माफी मांगता हूँ।
भाई मैं आप ही को ढूंढ रहा था। एक काम कहा तुमसे करने को, वो भी तुमसे नहीं होता। अगर नहीं होता है ना तो मना कर देते, समझे? अपने गांव की भलाई के लिए कुंवारे लड़के को पकड़ के उसकी नसबंदी करवा दी। इस बात को हमारे गांव वाले बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अब उन्होंने हमारे गांव से एक लड़का उठा लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे कहने से सातों गांव वाले आ गए और हमारी इज्जत बच गई, वरना हम लोग फांसी पे लटक जाते। बहादुरी लुंगी को बांध के दुश्मन के साथ लड़ना ही नहीं होता है, चालाकी से काम करना पड़ता है। छे, ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। अब मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। शादी करके बीबी को नहीं रख पा रहा है, काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। चालाकी तो मुझे बहुत आती है, बताऊंगा एक दिन। वल्लभ राज तो हमारा खास आदमी था, लेकिन वो हमारा 1.5 लाख रुपया हड़पने के प्लान में है, ऐसा यकीन नहीं होता। देखने में तो हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन जब उससे दोस्ती करो तब पता चलता है कितना नीच है। किसी को पैसे का लालच होता है, किसी को मिट्टी का लालच होता है, कुछ को तो लड़की का भी लालच होता है। कुछ लोग पदवी और नाम कमाने के चक्कर में सगे रिश्तों का भी खून कर देते हैं। जीना बड़ी बात है। क्यों छोटे, आज तू किसी और रास्ते से जा रहा है? हाँ भाई साहब, शाम होने का समय हो गया है, सन्नासी के आदमी इधर उधर घूमते रहते हैं। इस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये रास्ता सेफ है भाई साहब। ठीक है जल्दी चल। जी भाई साहब। स्वामी के बेटी के बालिग होने के त्योहार में जाना है। जी भाई साहब। क्या हुआ गाड़ी को? आप बैठिए, मैं देखता हूँ। आइए आइए भाभी। भैया नहीं आए क्या? कल्पेश, हे भगवान, भाई साहब को मंदिर के सामने टक्कर मार दी। हाय हाय राम, आपने टक्कर मार दिया। सामने टक्कर मार दिया सबको। आ जाओ रुक्कू। कहाँ है वो? हे, लेके जाओ महेश के पास। आ जाओ, संभाल कर आना। देखो इसे, ऐसे ही पड़ा है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम मर्द होके ऐसे रो रहे हो तो लड़की होकर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? क्या करूं तुम ही बोलो, एक ही झटके में तिनके की तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप के पास चला जाऊं। हाँ ठीक है, जहाँ तुम्हारे माँ बाप गए तुम भी वही चले जाओ। और ये बात जान लो, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वही आऊंगी, और उसके बाद तुम्हारे सारे दोस्त भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे।
एक दिन सबको जाना है, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, कभी सुख है तो कभी दुख है, जितना ही जिंदगी है। खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त भी बिना खाए पिए ऐसे ही पड़े हुए, उनको बुलाओ, चलो कुछ खा लेते। ए, इधर आओ खाने के लिए। खा लो। ये लो खाओ, थोड़ा सा और लो। इस कुर्सी पर बैठ करके जो सोचा था वो करूंगा, मुझे आशीर्वाद देना होगा भाई साहब। साहब बालू साहब। नमस्कार। कौन हो आप, कौन से गांव से हो? मेरा दानू का नहर का पहरेदार हूँ, चार लोग नहर पे दिखे, मैंने उसे पूछताछ की तो बोले कि जी ने खाने के लिए गाय ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला कहीं और ढूंढो, तो बोले आप ही ढूंढ दो ना, मैंने गलती से बोल दिया ढूंढ के रखता हूँ आप आने। दुआ सलाम करके चले गए वो। 10 दिन बाद आके बोलते हैं गाय दो, नहीं तो गाय की कीमत दो, नहीं तो हम पंचायत लगाएंगे। साहब आप पंचायत में आकर हमको इस तकलीफ से निकालिए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है आप जाइए, मैं फैसला जरूर करूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। ठीक है। इसी पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। ए, यहाँ पर आ। हाँ सर। चल जा महेश को बुला कर ला। माँ बाप के मरने के बाद वो गांव में नहीं रहते साहब, वो पहाड़ी पे रहते हैं। ऐसा क्या? हाँ सर। ठीक है तू जा। जी सर। भाई पुलिस वाला आया है, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है आइए साहब। महेश कहाँ पर है? ऊपर है। चलो चलिए। आइए सर। मैं आपसे ही मिलने आया था। पापा के बाद अब तो चाचा ही सब कुछ देखते हैं, आप उनसे ही मिलिए। नहीं महेश, मुझे तुमसे ही बात करनी है। क्या बात है सर? तुम्हारे पिताजी को मंदिर के सांड ने टक्कर नहीं मारा। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? आपके चाचा कल्पेश और सन्नासी ने मिलके क्या हुआ छोटे? आप बैठिए, मैं देखता हूं। तू यहाँ क्या कर रहा है? कल्पेश कहाँ गया? कल्पेश, ए कल्पेश कहाँ है? इज्जत से बता दे, बता, ए बता दे कल्पेश, कल्पेश, ए मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, साथ में मेरा भाई भी है। ए छोड़, राम अवतार, इस घड़ी का आज से नहीं 30 साल से इंतजार था। कल्पेश, हे भगवान, भैया को सांड ने मार दिया, भैया को मंदिर के सांड ने मार दिया। मंदिर के सांड ने भाई को मार दिया, ऐसा गांव वालों को यकीन दिलाया, और इसमें इंस्पेक्टर वीर भी शामिल है।
सांड के टक्कर मारने से इनकी मृत्यु हुई। इस तरह का केस बनाकर और पैसे खाकर उस इंस्पेक्टर ने केस क्लोज कर दिया। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम्हारे चाचा से सावधान रहना। चलता हूं मैं। रुक रुक रुक, छोड़ मत कर। अभी चाचा और सन्नाशी खत्म नहीं किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। जल्दबाजी मत कर महेश, जैसे उन लोगों ने प्लानिंग के साथ मारा है ना, वैसे ही हम भी पूरी प्लानिंग के साथ ही उनका गेम बजाएंगे। हाँ भाई, हम जल्दबाजी करेंगे तो दुश्मन सावधान हो जाएगा। ए, जो भी हो जाए रात को ही काटूंगा। मैंने बात कर ली है, बलरामपुर 1 लाख ईंटें भेज दो, याद से भेज देना। ठीक है पापा। ए, चलो आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाकर काम करो। अरे वाह यार, कल्पेश आ जा, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई यार। कैसा है तू? तूने मेरा 30 साल का सपना पूरा किया है मेरा भाई। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से तेरा बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा सब कुछ तेरा है, बाग बगीचे जमीन जायदाद, क्या चाहिए बोल। तू बैठ, बैठना बैठ। कल्पेश, तुझे मेरे खानदान में पैदा होना चाहिए था। मांग क्या मांगता है? क्या मांगू भाई, किस चीज की कमी है मुझे? आपकी जायदाद से 4 गुना ज्यादा मेरा भाई छोड़ कर गया है, वो सब मेरा ही तो है। मेरी बहुत इच्छा थी कि पंचायत में फैसला मैं सुनाऊं, वो दिन अब आया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, नेता बन गया हूँ मैं। आप तो साहब बदला पूरा होने की खुशी में हो, और मुझे जो कुर्सी चाहिए थी आखिरकार वो मिल गई। इन दोनों बातों का जश्न तो बनता है ना। तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला रे। क्यों मुनीम, जाओ उस रजिया को उठा के ले आ। चल जा। उठा कर क्या साहब, घेर के लेके आता हूँ, अभी आता हूँ। इतने सितारों में समझे क्या, पियो के तो समझो के होश गए। नजरों से जिसने भी मेरे पिया, बस यूं तुम समझो कि वो तो गए। जी भर के पी ले तू होठों से चुम ले, दिल में तेरे अरमा कोई बाकी न रहे। अंगूरी रानी हूँ, चढ़ती जवानी हूँ, हल्का सा छलता है पी ले बलुमा।
होश गए नजरों से जिसने भी मेरे पिया बस यूं तुम समझो कि वो तो गए माया जी जाकर देख क्या हो रहा है वहां क्या हुआ हे क्या हुआ हे आजा मारेगा मुझे मारेगा 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 इसी हाथ से लाठी चलाया था ना इसी से मुझे हराया था ना इसी हाथ से कोयता उठाया था ना इसे उखाड़ फेंकूंगा मार इसको देख कल्पेश तेरे भाई का बेटा तुझे और मुझे मारने आया था इसे भी छोड़ना नहीं चाहिए निपटा दो इसको नहीं भाई नहीं रुको छोड़ दो इसे तो क्या छोड़ दे इसको नहीं भाई को मैंने ही मरवाया इसे मैं क्यों छोड़ूंगा इसका बाप सांड की टक्कर से मरा ऐसा गांव वाले समझते हैं मैंने यकीन दिलाया उन्हें क्या बोल रहा है तू इसे उठा के जंगल में फेंक देते हैं वहां इसे जानवर खा जाएंगे और यहां हम बच जाएंगे भाई भाई अरे यार कहां गया पता नहीं महेश 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 अरे बाप रे आइए इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर माला पहनाने आए हो क्या क्या हुआ साहब सारे गांव वाले यहां खड़े रामेश्वर की हत्या में मेरा और कल्पेश का हाथ था उसे पता चल गया महेश वापस आ गया इंस्पेक्टर देखो ना इनको कितनी बुरी तरह मारा है अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो तुम हम दोनों में से किसी को भी माला ना पहना पाते हमारी अर्थी में खड़े होते सब एक कंप्लेंट लिख कर दो उसको अंदर करके मैं क्लोजी कर देता हूँ ठीक है इंस्पेक्टर ए जाओ सब लोग जाकर एप्लीकेशन लिख कर दो लिखवा के लाओ इन लोगों से चलो चलो जल्दी लिखवा दो जाओ 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 जल्दी 10,000 ये लीजिए इंस्पेक्टर इसके लिए वफादार रहिए साहब बहुत जल्दी उसको अंदर करके क्लोज करके आपको खबर देता हूँ जाओ आप बेफिक्र रहिए जाओ जाओ बिल्कुल उसकी लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हें भाई 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 अरे अरे क्या हुआ ये क्या हुआ भाई भाई मैंने बोला था ना कि वहां मत जाना लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी ये राजन कहाँ चला गया इसे छोड़ के
मेरा भाई। ए, बारा। हाँ साहब। तेरा ही बेटा अशोक है ना? हाँ साहब। चल अच्छा चलो, बड़े साहब बुला रहे हैं। तेरा बेटा अशोक कहाँ है? दो तीन दिन से वो घर पर नहीं आया है, मैं इसके साथ ही घूमता था, वो सब गायब है। दो दिन से खाना भी नहीं खाने आया है। मैंने जो जड़ी बूटी बांधी है उससे इनका हाथ जुड़ जाएगा। ये मामूली जड़ी बूटी नहीं है, बहुत कारगर है। जड़ी बूटी का रस दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ध्यान रखना। मोटू, वैद्य को जरा सावधानी छोड़ के आना। ठीक है भाई। वो बदमाश महेश माँ बाप के मरने के गम में पागल होके घूम रहा है, और वो तीनों लड़के भी उसके साथ घूम रहे हैं। दो दिन पहले इन लोगों ने गांव में घुसकर अनाची गोनियां उठाई थी। अरे बाप रे। वो लोग आएंगे तो उन्हें पकड़ के हमें खबर देना। जी साहब। और अगर तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया तो तुम लोगों के ऊपर उल्टा केस डाल के हड्डियां तोड़ दूंगा। समझ में आई बात? जी साहब। फंसने तो दो जाएंगे कहाँ, इनका मैटर अब क्लोज ही करूंगा मैं। रुको, संभाल के पैर रखना, आराम से आना, आ जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। महेश को देखो रुको, महेश को देखो। अरे भाई, इनको क्या हो गया? इनको क्या हो गया? रो मत रुको, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। बताइए ना भाई, इनको क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? तुम्हारे मामा विक्रम और उसके गुंडों ने मेरे दोस्त को मार के जंगल में फेंक दिया। अरे रुको, अरे रुको, पकड़ पकड़ उसको। रुको, मेरे यार को कुछ नहीं होगा। अरे भाई, अरे मेरे यार ने आंखें खोल दी। भाई भाई, मैं यहाँ पर कैसे? धीरे धीरे उठो मेरे भाई। मैं यहाँ कैसे आया? ए, तू यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना जल्दबाजी मत कर, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी और तू चला गया। क्यों? तुम्हारा हाथ तोड़कर उन लोगों ने तुम्हें मरा समझकर जंगल में फेंक दिया था। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, मुंह लटकाए हो ऐसे? मैं मर गया हूँ क्या? ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो जैसे हालचाल पूछने आए हो तुम लोग। मेरा हाथ तोड़ने वाले की गर्दन काटूंगा। देख जल्दबाजी मत कर, इसी वजह से तेरे साथ ये सब हुआ है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो वो लोग होशियार हो जाएंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की वजह से मैं डर के नहीं जी सकता। जाएगी तो जान ही जाएगी ना। ये क्या फालतू की बातें कर रहा है यार, हमें तो जिंदा चाहिए। चाचा चाची ने हमेशा हमें अपने बेटों की तरह पाला है। आज तुझे दूसरा जीवन मिला है, जानता है क्यों? क्योंकि तेरी माँ का आशीर्वाद है तुझ पर महेश। हे देख यार, तेरी जान जाने से पहले हमारी जान जाएगी। हे, रुको को ले जाओ, जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। ना समझे की बातें मत करो, मेरी हालत का जिम्मेदार मेरा चाचा और तेरा मामा ही है। तू मेरे साथ है, उनको मालूम चलेगा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। मेरी बात मान, तू जा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तेरा मामा मुझे मारने की जो भी प्लानिंग कर रहा है उसे चिट्ठी में लिखकर उस मंदिर में डाल देना, समझ गई? हाँ। बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? अब तू जा, ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। समझी? ठीक है, अब तू जा। घाव सूखने तक जरा भी पानी मत लगने देना। हाँ? संभाल के ले जाना। हाँ, चलती हूँ। संभाल के जाना। चलो रुकू, चलते हैं। हे भाई, पढ़ तो इसको। कल्पेश रोज सुबह 11 बजे मल्लिका के घर पे आता है। आगे पढ़।
तुम लोग जहाँ छुपे हुए हो वो जंगल मेरे मामा का है। इसके बारे में विक्रम को और इंस्पेक्टर वीर को पता चल गया है। तुम सब लोग वहाँ से निकल जाओ, बाकी सब आने वाले शुक्रवार को बताऊंगी। अब क्या करे भाई? चल निकलते हैं। मैं भी चलूंगा भाई। वो कुत्ते को मारने के लिए चार जन, तू बकरे को पका के रख, हम लोग मार के आते हैं। ठीक है भाई। आवाज मत करना, अब मैं जो बोल रहा हूँ वही करना। कल पेश आने वाला है क्या? ए देख, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे तुझे रहना है, समझी? अगर कोई चलाकी की तो हम उसे खत्म कर देंगे, इसलिए उसे हमारे बारे में कुछ मत बताना। हे, चलो अंदर। कुछ भी गड़बड़ की ना। मल्लिका, हुस्न की मल्लिका, तेरा पूरा चेहरा तो पसीने से भरा है। मैं लेट हूँ इसलिए गुस्से में हो। अगली बार मैं लेट आया तो दिल्ली की स्पेशल बर्फी और आगरे का पेठा लाऊंगा। अरे नहीं जी। क्यों? मैं जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। औरत जब मना करती है तो उसका मतलब हाँ होता है, और इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ मल्लिका? अरे छोड़ दीजिए। अभी भी तो गुस्से में है? नहीं ना, छोड़िए। तेरे काले बालों में ये सफेद गजरा, ऐसे लग रहा है जैसे पूर्णिमा का चांद निकल आया हो। बहुत खूबसूरत लग रही है। छोड़िए ना। रुक। क्या मल्लिका, मैं तुझे तब से इतना ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, और तुम हो कि बिल्कुल भी खुश नहीं, अभी तक गुस्सा हो। अब मैं समझ गया मल्लिका, तुम सोच रही हो कि पहले तो ये आते ही शुरू हो जाता था, लेकिन आज ये बातें बनाने में लगा है। चल अब ज्यादा देर नहीं करता, फटाफट कपड़े उतार के आता हूँ। हैं? अब भी आता हूँ। मल्लिका मेरी, मल्लिका कितनी खूब है तू, मेरी प्यारी मल्लिका है तू। खाना बन गया होगा, जाओ खाना लेकर आओ, और अशोक को भी साथ में लेकर आना। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर मुझे कुछ ना कुछ खतरा जरूर लग रहा है, तो जाके उसको जल्दी लेकर आना। ठीक है भाई। जाओ। अशोक, अशोक हमने उसे मार दिया, अशोक हमने उसे मार दिया, अशोक हमने उसे भाई भाई क्यों चिल्ला रहा है? भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अशोक को किसी ने मार दिया। चल चल चल, उसे देख रहा भाई, उसे जल्दी देख रहा भाई। अशोक भाई, अशोक क्या हुआ भाई? बोल ना भाई, क्या हुआ? अब क्या हो गया मेरे भाई? भाई बोल ना, बोल ना भाई। तेरी जान जाने से पहले हमारी जान जाएगी मेरे भाई। कैसे हो गया भाई? साहब, साहब। ए मोनेम, रुक। सन्नासी, बहन को बुला कर लाई हूँ, इसका कुछ फैसला कर। क्या फैसला करने को बोल रही हैं? हाँ भाई, गाँव में होने वाली हर बात तुम्हें पता है, पर घर में होने वाली किसी भी बात की तुम्हें खबर नहीं है। इतने साल से मेरी बेटी पढ़ रही है बोल के टाल रहे थे तुम। इस साल तो मेरी बेटी फेल होकर घर पे बैठी है, अगर इस साल भी तुमने टाल दिया तो मेरी बेटी बिन ब्याह ही मर जाएगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी क्या करना है वो बोलो। अगले महीने शादी करवा दीजिए।
ठीक है करवा देंगे सब, जाओ खुशी से जाओ। ठीक है बेटा, खुशी से रहो। मुनीम चल बता, चलती हूँ। चलो चल, तू बोल, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या जल्दी थी इतनी? हाँ साहब, कल्पेश को मार दिए साहब। क्या बोल रहा है तू? अकेली रह रही मलिका के साथ उसका रिश्ता था, इस बात का कैसे भी पता लगा कर उसके घर में घुसकर उसका खून कर दिए साहब। आइए इंस्पेक्टर, ये मुनीम जो बोल रहा है सच है क्या? हाँ साहब, आपने खबर दिया था, हम वहाँ जंगल में गए थे, वहाँ चार लोगों में से तीन जन भाग गए थे, एक ही बचा था। जब मैंने उसे मारा उसी समय इन तीनों ने कल्पेश को मारा। साहब जैसे भी हो, आप और विक्रम सचेत रहें। आप चिंता मत कीजिए, मैं डीआईजी से स्पेशल परमिशन लेकर के उन तीनों को उठा लेता हूँ। कल्पेश की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज के आता हूँ। साहब एक बार वो बचे हैं, दोबारा नहीं बचने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। हे मुनीम साहब, कहीं उन लोगों को तूने तो खबर देने का काम तो नहीं किया? आपको मुझे देख के ऐसा लगता है क्या? हाँ मुनीम, अगर इस तरह डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए तो ऐसे बड़े आदमियों के साथ काम ही नहीं करना चाहिए। जानती हो ना, और 10 दिन है। किस लिए और 10 दिन है? अपने गांव में कोई त्योहार है या नानी के घर जाने के लिए? हाँ रे, इस गांव में इसी बात की तो कमी है। तेरा मामा एक सोमवार छोड़कर अगले सोमवार मंगनी करने आने वाला है। नानी बड़ी खुश होकर बताने आई थी, लेकिन तू तो इधर उधर भटकती रहती है, घर पे रहती नहीं। अब तुझे घर पे बांध के रखना पड़ेगा। ये क्या है माँ, अचानक बोल रही हो? अरे अचानक कैसे, गांव में तेरी उम्र की लड़कियाँ दो दो बच्चों की माँ बन चुकी है अब तक, और एक तू है कि बच्चों जैसे फुदकती रहती है। अगर घर में जवान लड़की हो तो माँ बाप की रातों की नींद चली जाती है। ठीक है ठीक है, मैं आर्मी वाले के घर पे जाके आती हूँ, चूल्हे पे चावल रखा है, ध्यान रखना। जल्दी करो, मुझे तुम्हें किसी भी हाल में मिलना है। अपने गांव के बाहर जो मंदिर है वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सुबह 10 बजे, भूलना मत, सुबह 10 बजे। अरे यार, रुक्को ने लिखकर भेजा, इसका मतलब जरूर होगा। तू क्या करेगा, सुबह 9 बजे साथ में लेकर आ जाना। हाँ, संभाल के देख तो के। बिल्कुल चिंता मत कर यार, संभाल के लेके आऊंगा। जा सर पे लेके चलोगी तो दूर से देखने वालों को कोई शक नहीं होगा, समझी? अरे बाप रे, ऐसा क्या? हाँ हम भी तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना। अब डिब्बे को सिर पे रख लो। ठीक है, गांव वालों को देखने से पहले हम निकल जाएंगे। अरे मटन भी बना लेते हो, अच्छी खुशबू आ रही है। आपके गांव का ही बकरा है। रुको, क्या रुको, बहुत जल्दी में मिलने के लिए चिट्ठी डाली थी, क्या बात है? अब मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी। क्या भाई? हाँ? ए, क्या बोल रही हो? हम तीनों जिंदा है, तुमको पसंद नहीं है क्या? हम लोग हर दिन जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं, इसमें तुम्हें भी कहाँ लेकर घूमेंगे? तुमने अपनी परेशानी तो बता दी, अब मैं अपनी परेशानी किसको बताऊँ? क्यों,
क्या हुआ तुम्हें? मेरी माँ और मेरी नानी ने मेरी शादी मेरे मामा के लड़के साथ तय कर दिया है। आज शाम को ही मामा घर आ रहे और शादी की बात करेंगे। मामा इसी हफ्ते मेरी मंगनी करके चले जाएंगे। इस हालत में मैं उस घर पे नहीं रह सकती। आज से मैं भी यहीं रहूंगी, चाहे जो भी हो। अरे क्या बम फोड़ रही हो तुम भी? मेरी हालत के बारे में भी जरा सोच कर देखो। अगर हम लोग जिंदा है ना, तो वो तुम्हारी चिट्ठी की वजह से ही। तुम समझो इस बात को। यही समझ कर तो मैं कितना पागल हुए जा रही हूँ। तुम अपने जान के बारे में सोच रहे हो और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। किसी की बीवी बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी बाहों में मरूं। इसी में मेरी खुशी है, तुम समझ रहे हो ना? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। कैसे टेंशन नहीं लूं? मैं अपने आप को संभाल कर यहाँ तक कैसे आई हूँ? तुम जरा समझो मेरी बात को। ये ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा लक्ष्य अधूरा नहीं रहना चाहिए और ना ही तुम्हारी जान पे कोई खतरा आना चाहिए। समझ लेना मैं मर गई, मेरी चिता पे आकर अग्नि दे देना बस। रुकू, सुनो रुकू। नहीं, मुझे जाने दो। हे भाई, इतना बोलने के बाद भी रुकू को भेजना सही नहीं होगा। हाँ यार महेश, रुकू बिल्कुल सही कह रही है। ये इतनी दूर से आके रो रही है, मतलब मामला सीरियस है। महेश, हम चारों जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ, ये तू अच्छी तरह समझ ले। नहीं मेरे भाई, मैं खुद के लिए इतनी जाने नहीं गवा सकता हूँ। हे, क्या ऐसे गैरों की तरह बात कर रहा है तू? अभी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता लड़की सामने, इसलिए बच गया तू, समझा ना? नहीं मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं बोला। तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरी बात सुनो। हम चारों जन को मिलकर रहना पड़ेगा भाई, मैंने सही कहा ना? ठीक है रुको, आने वाले सोमवार को हाटा बाजार से शादी के लिए मंगलसूत्र और साड़ी खरीद लेना, समझ गई तुम? कब आने वाली हो चिट्ठी लिख कर डाल देना, ठीक है? मैं मोटू को भेज दूंगा, हम सब लोग मंदिर पे मिलेंगे, वहाँ हम शादी कर लेंगे, समझ में आया? अब तो खुश हो ना? देखो शादी के नाम से रुकू का चेहरा कैसे खिल गया। ठीक है। प्यार हुआ चोरी चोरी इकरार हुआ अब होगी शादी हमारी।
चले, लीले लीले अंबर तले, तेरा मेरा प्यार बने। सतरंगी ये जीवन, तू जो मेरे संग चले, मैं और तू मिले जब खुशियों के फूल खिले। तू है मेरा राजकुमार, मैं हूँ तेरी राजकुमारी, अच्छे लोगों का साथ हम देंगे। रखूँ तुझे पलकों में, दुनिया से छुपा के लड़ूंगा तेरे लिए मैं सारे जहां से। मन चाहा प्यार हुआ, चोरी चोरी इकरार हुआ, अब होगी शादी हमारी। जान से तू है प्यारी, खुद को तुझ पे वारा, रब ने बना दी जोड़ी। तुझे पाके सब सपने पूरे हो गए, जो देखे थे मैंने तेरे लिए दिन गिन गिन के। मन चाहा प्यार हुआ, चोरी चोरी इकरार हुआ, अब होगी शादी हमारी। आइए, आज अचानक यहाँ आ गए? हाँ, तुम्हारे गांव में एक पंचायत थी, सोचा तुमसे भी मिलकर आ जाता। माँ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप आराम से खा। सच में जरूरत नहीं है, बस पानी पिला दो। अरे रुको, इधर आ जा। आई माँ। अंदर क्या कर रही है? मामा आए हैं ना? अरे जल्दी आ, वो आ रही है। नमस्ते मामा। कैसी हो बेटी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। उस दिन माँ और नानी घर पर आई थी, तुम नहीं आए थे। मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा चलो बेटी से मिलता चलूं। ये लीजिए पानी। लग रहा है रुक्मणी कहीं बाहर जा रही है। हाँ भाई, मंगल और शुक्रवार को देवी के दर्शन के लिए जाती है, वहीं जा रही है। ओ ऐसा है क्या? तो चिंता मत कर मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, चल तू भी आ जा। मुझे मंदिर जाना है मामा। अरे बेटी कोई बात नहीं, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा तुझे। मैं चले जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अरे मुझे क्या परेशानी है, सिर पे बैठा के थोड़ी ले जाना है। चल बैठ जा, बैठ जा बेटी। आजा आजा, चल मैं आगे बैठता हूँ, तू पीछे बैठ जा। हाँ अच्छा बहन, ध्यान रखना। अच्छा भाई। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। संभल के जाना बेटी। हाँ छोटे कार को जरा पीछे तो ले। चिट्ठी को छोड़कर चली गई। ए, क्या रे, इतना टाइम लग जब गया? मंदिर में कोई नहीं होगा तभी तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है खोल इसको। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। ये ले भाई। क्या रे, इसमें दो चिट्ठी गायब है। कपड़े में ही तो छुपा कर लाया था। साहब, आपकी होने वाली बहू की जो इच्छाएं हैं, वो इसी माला में हैं। आप कहें तो इन्हें जाकर मंदिर में रख दूं? सुनो, अरे मेरे घर में आने वाली बहू का मैं ही स्वामी हूँ। लाओ देखते हैं हमारी बहू के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए। सुनो, तुम जाकर खेत में देखो, सब काम ठीक से चल रहा है ना? नहर की तरफ कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलो जाओ। मैंने शादी का सारा सामान खरीद लिया है, तुम समय से मंदिर पे पहुंच जाना। छी, हे विक्रम। पापा, क्या हुआ पापा? पता है तुझे इस चिट्ठी में क्या लिखा है? ये देख बेटा। क्या? हम जो योजना बना रहे थे उससे महेश कैसे बच रहा था, हम तो बाकी लोगों पर शक कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह हमारी अपनी बहू, जिसे तूने दिल जान से चाहा, रुक्मणी ही है। हम उसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहते थे और वो हमें जहर देना चाहती है, तुझे कुछ भी पता नहीं।
वो महेश से प्यार करती है बेवकूफ कहीं के। ये रुकू कितने बजे आने वाली पता नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, हम सब अभी मंदिर चलते हैं, वहां से कोई रुकू को लाएगा, ठीक है? भाई जो बोल रहा है वो सही है। तो एक काम कर, 3 बजे नहर पर जाकर बैठ जा, 4 बजे वो जाएगी, उसे देखते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, छोड़ना मत उसको। रात के लिए इंतजार क्या करना, अभी जा करके उसे खत्म कर देता हूँ। गधे तू अपना दिमाग मत चला, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। वो भाग कर शादी करने जा रही है ना, तू अपना काम कर, निकल। माँ मुझे माफ कर देना, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। भाई के चेहरे पर भी शादी की खुशी नजर आ रही है, ये भी सपने देखने लग गया। ए रुक 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 रुक, ए रुक मेरे भाई, ए रुक, अरे छोड़ना यार, क्या कर रहा है? अरे अरे सुन ना मेरे भाई, अरे सुन, एक मिनट। महेश रुक्कू भाई, ये देख यार, कल ही अपनी बहन आ रही है और अपने भाई ने पहले हाथ पर लिखवा लिया। महेश रुक्कू, महेश रुक्कू, इसने देख यार इसको, अरे दिखा दिखा दिखा, अभी मारूंगा मैं तुम्हें, दिखा ना भाई, दिखा तो, अरे दिखा, अरे यार मोटू दिल बना के नाम लिखा है। आज एकदम सही बोला तूने। अब तुम यहाँ से फटाफट निकलो और रुक्कू को संभाल के लेके आना। हाँ जी अभी लाता हूँ। ए रुकू, हाँ? इस थैली में सब कुछ है जो तूने मांगा था। माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है, चलती हूँ, ख्याल रखूंगी। मुझे एक बात बता भाई, हाथ पर नाम लिखा है ठीक है, लेकिन ये दिल में तीर घुसाने की क्या जरूरत थी? अरे लबड़ी बनाने को बोला था यार, बुड्ढी ने हाथ बनाकर तीर डाल दिया। हाँ ओहो। ए, अरे कितने देर में आएगी? आ जाएगी ना भाई। भाई आ जाएगी भाई, जल्दबाजी मत कर भाई। कौन है वहां? अब क्या करेंगे? वो कहां जा रही है मुझे पता है, वहीं जाकर उसे रोकेंगे। आओ। ठीक है भाई। ए रुक जा। आ जा रुक्कू, महेश। तू महेश के साथ भागने वाली है ना? सच में बेचारी छोटी है, अकेले जाने से डरेगी ना? वहीं लेकर के जाने वाला हूँ, चल। नहीं जी। ए चल ना, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ए मैंने तुझे गोद में पाला है समझी, हैं? कहना मान नहीं तो जान से मार दूंगा। मुझे छोड़ दो। ए क्या ये? ए रुकू, ए विक्रम खबरदार, रुकू को छोड़ दे वरना मेरे दोस्त महेश को पता चलेगा ना, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बचा लो भैया। ए नामर्द लोग खबरदार, रुकू को यहाँ से जाने दो। ए तुम इसे संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। ए रुक जा, कहाँ भागती है? Huh?
छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। महेश, तुझे उसके साथ भागने दूंगा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुझे उसके साथ जाने दूं? हाँ, जीने के लिए छोड़ दूं? महेश, कुछ नहीं होगा। रुको, ये जान खतरे में है। किसने वाले? बचाओ! मेरे भाई, कुछ नहीं बनूंगा तुझे मैं। किसने वाले? कुछ नहीं होगा तुझे। तुझे उसके साथ जाने दूं? मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए जीजा। अगर वो तेरा होने वाला पति है तो ये जीजा तेरे लिए पति जैसा है। तू संभाल इसको, मैं रुकू को देखता हूँ। रुको, 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 रुको। डर रही हो? अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जान ले दूंगी। रुको, 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 चलो यहाँ से, चलो महेश आ गया, चलो। हाँ, चलो। ए, रुको, रुको, मोटो, रुको, रुको। तुम्हारी बाहों में मरूं, इसी में मेरी खुशी है, तुम समझ रहे हो ना? तुमसे शादी करके जिंदगी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे प्यार करते हो पर मेरे जीजा जी को जानते हो? पति से पहले जाने वाली को अखंड सौभाग्यवती समझा जाता है। मैं अखंड सौभाग्यवती बन के जा रही हूँ। रुको, इधर देखना, इधर देखो, रुको, नहीं नहीं, रुको, रुको, कभी सुख है तो कभी दुख है, जीतना ही जिंदगी है। तू चिंता मत कर, जीतूंगा, तेरी कसम जीतूंगा। तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, कसम है मुझे, तेरी कसम है भाई। चिंता मत कर भाई, अपनी जान जाने से पहले रुकू से किया हुआ वादा पूरा किए बिना हम नहीं मरेंगे भाई। हमने विक्रम को मारा था ना, उसे गांव के अस्पताल में भर्ती किया है। वो सन्नासी है ना, अपने बेटे को देखकर गांव के रास्ते से आ रहा है। ए मुनीम, देखना क्या हुआ? जी साहब, देखता हूं। पंचर हो गया। क्या हुआ साहब? टायर पंचर हो गया। स्टपनी है क्या? मुझे मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू सर खुजा रहा है? समझता नहीं है। गाड़ी में स्टपनी नहीं है क्या? नहीं है। तुम गाड़ी को ठीक करा के सीधे घर आ जाना। ठीक है, मैं बाग के रास्ते होते हुए घर चला जाऊंगा। ठीक, आइए साहब, इस रास्ते से चलते हैं। इधर से आइए साहब।
सारा बगीचा अपने बालगंज वाले अग्रवाल साहब का है। ये सारी जमीन 65 एकड़ की है। ठीक है, वो बेचना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, उनसे बात करके सब तैयार रखना। ठीक है ठीक है। हर जगह लाल मिट्टी क्यों दिख रही पता है? पता नहीं। महेश महेश यही चाहता था मैं। ए महेश, जान प्यारी है तो मुझे छोड़ दो। अब जा। ए मुनि, तू मुझे छोड़ के क्या मांग रहा है? अरे नहीं 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 रोकिए गाड़ी रोकिए। इंस्पेक्टर, क्यों ऐसे भाग क्या रहे हो? साहब को महेश ने खत्म कर दिया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सच में, उसका बेटा हॉस्पिटल में है। कम से कम उसके बेटे को तो बचा लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। आइए इंस्पेक्टर। क्या विक्रम, कैसे हो आप? डिस्चार्ज होने वाला, इसीलिए आए हो क्या? अब ठीक है इंस्पेक्टर। मेरे साथ जीप में आइए। क्यों, पापा नहीं आए? रास्ते में बताऊंगा। आइए इंस्पेक्टर आइए। हेलो डॉक्टर, कहीं पेन हो रहा है क्या? नहीं डॉक्टर, इज फाइन। तो फिर डिस्चार्ज कर दीजिए इनको। विक्रम, मैं गाड़ी में। ठीक है इंस्पेक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ए, चलो आओ। जी। आज नहीं छोड़ेगा तुझे। ए भाग भाई, चल जल्दी, इंस्पेक्टर हमारे पीछे, जल्दी। भाई, अरे क्या हुआ? चलना। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तुझे। मुझसे नहीं होगा भाई। भाई, अपने पूरे परिवार को खत्म करने वाले विक्रम को तुझे मारना होगा। वो बचना नहीं चाहिए भाई, मेरा टाइम आ गया है। ए, नहीं, चलना। जो, भाग जो। बाप रे, ये दिन भी देखने पड़ेंगे, कभी सोचा नहीं था। छोटे साहब आ गए, शुक्र है। छोटे साहब, आपके हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने बड़े साहब को मार दिया।
इंस्पेक्टर ने रास्ते में जो हुआ सब बता दिया। छोटे साहब, आपके अच्छे से ठीक हो जाने के लिए मैंने हर मंदिर में जाकर पूजा की। सिर्फ पुलिस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, आपके लिए जान देने वाले ये गांव वाले भी हैं, इन पर भी भरोसा कीजिए। आप अंदर जाकर आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे आप, जाइए आराम कीजिए। इंस्पेक्टर, कैसे भी करके आपने छोटे साहब को बचा लिया, अब आप लोग गांव के बाहर से ही इस मैटर पर नजर रखिए, इनकी हिफाजत के लिए ये सब है हमारे साथ, ठीक है इंस्पेक्टर? चलो आ जाओ। जी हाँ। वीर सिंह। हाँ साहब। अब से दिन रात कुछ लड़कों को घर के बाहर पहरेदारी करने को कहो। अच्छे से पहरेदारी करेंगे तो उस महेश से छोटे साहब को बचा सकते हैं। ठीक है सर। चारों तरफ पे खड़े होकर अच्छे से सुरक्षा को बढ़ाओ। हाँ सर। जाओ। हाँ अच्छा, चलो भाई ठीक, जल्दी जाओ। चलो। हे भगवान, इतने साल से इन लोगों का नमक खाया और वफादारी की, लेकिन अब और इस खूनी गांव में रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा, अब मुझे ही खुद को बचाना होगा। हे कृष्णा। यहाँ पे कौन है? मैं हूँ भाई। मनोहर किधर है? यहाँ हूँ। राजेश? मैं इधर हूँ। देखा ना, पूरे गांव वाले बिना सोए पहरेदारी कर रहे हैं। हाँ भाई, इसके बाद महेश तो क्या, भगवान भी आएगा ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ए, हमने जो गलत काम किया है ना, वो सब महेश ने किया, ऐसा गांव वाले समझ रहे हैं। हाँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सही भाई। भरोसे में रख के उसे मार दूंगा। हाँ भाई, मार देना। ए, कौन जा रहा है? बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। ए, कौन है रे? मैं हूँ मुनिया भाई, पेट में गड़बड़ हो रहा है। अरे तो बता के जाना चाहिए ना, हमारा पेट भी गड़बड़ हो रहा है। अरे भाई, वहाँ पे कोई खड़ा है क्या? खड़ा हूँ भाई। सर, क्या करने वाले हो आप? क्या यार, वो लोग कौन है, बुद्ध है या गांधी? वो दोनों ही अपराधी है सर। छोड़िए सर, उन लोगों को मार के क्यों आप ह्यूमन राइट से पंगा लेना चाहते हैं? जैसे भी हो, विक्रम को तो महेश मार देगा और महेश को गांव वाले मार देंगे। इल्जाम गांव के लोगों पर आएगा और हम फाइल क्लोज कर देंगे, फिर रिस्क क्यों लेना सर? एक बार सोच के देखिए सर। वो भी सही है यार। गाड़ी निकाल। जी। कोई भी नजदीक आया तो काट के रख दूंगा। Hey, John! 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 Hey, John!
मुझे प्यार करते हो पर मेरे जीजा जी को जानते हो? तू चिंता मत कर, जीतूंगा, तेरी कसम जीतूंगा। इस गांव की बर्बादी का कारण मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? बोलिए आप लोग, बोलिए। हटो, चलो हटो। जैन है क्या? देख जी साहब, गला काट दिया है साहब इसका। देख ये भी मर गया है सर। इन दोनों की बॉडी ले चलो, गाड़ी में डालो। जी सर। आओ ए, चलो आओ, 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 उठाओ इसे, उठाओ, ए, उठाओ, आओ, चलो आ जाओ वहाँ पे, गाड़ी में डालो, आ जाओ जल्दी। साहब हम निकले, साहब साहब।